प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ फ्री एंड, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ फ्री एंड मॉडिफाइड इनटू थ्री टाइप्स ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर्स। पहले तो बच्चों मैं आपको फ्री एंड का क्या मतलब है वो समझाना चाह रहा हूं, आप ध्यान से देखेंगे बच्चों। एपिथिलियम टिश्यू की बात कर रहा हूं तो सेल्स हमेशा लेयर की फॉर्म में होंगे, यूनिफॉर्म लेयर। एपिथिलियम टिश्यू की बात कर रहा हूं कि एक पतली सी बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी। एपिथिलियम टिश्यू की बात कर रहा हूं तो नीचे की तरफ कनेक्टिव टिश्यू होगा। बच्चों तीन स्ट्रक्चर्स हैं वो तो हम समझेंगे, पर आपको पहले इसका हेडिंग समझना होगा, ध्यान सुने। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ फ्री एंड, फ्री एंड का क्या मतलब है वो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, ध्यान सुनेंगे बच्चों। मान लेते हैं मैं इस एक सेल की बात कर रहा हूं। आप जानते हैं बच्चों किसी भी सेल में आप तीन टाइप के सर्फेसेस डिफाइन कर सकते हैं। जो सर्फेस ऊपर की तरफ है उसे हम कहेंगे एपिकल सर्फेस, जो एपिक्स की तरफ है। जो दो सर्फेसेस साइड में है उन्हें हम कहेंगे लेटरल सर्फेस, और जो एक सर्फेस बेस पर है उसे आप कह सकते हैं बेसल सर्फेस। तो आप खुद मुझे सोचकर बताएं इन तीनों टाइप की सर्फेसेस में से कौन सी सर्फेस आपको फ्री नजर आ रही है। तो आपका जवाब होना चाहिए एपिकल सर्फेस। आप देख सकते हैं बच्चों जो लेटरल सर्फेस है वो फ्री नहीं है, वो अपने एडजेसेंट सेल के साथ कनेक्टेड है। जो बेसल सर्फेस है वो फ्री नहीं है, वो नीचे रखी हुई बेसमेंट मेम्ब्रेन और कनेक्टिव टिश्यू के साथ कनेक्टेड है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एपिकल सर्फेस फ्री होती है। तो इतना याद रखेंगे बच्चों फ्री एंड का मतलब है यहां पर एपिकल सर्फेस। तो क्या होता है एपिकल सर्फेस की ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यानी बस इतनी सी प्लाज्मा मेम्ब्रेन बच्चों, प्लाज्मा मेम्ब्रेन चारों तरफ है पर जो एपिकल सर्फेस की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है यही प्लाज्मा मेम्ब्रेन मॉडिफाई होकर तीन टाइप के स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन करेगी और उन तीनों स्ट्रक्चर्स का अपना अपना फंक्शन होगा। बच्चों आपके मॉड्यूल का हम सेकेंड पेज कवर कर रहे हैं, आप ध्यान सुनेंगे। एपिथिलियम टिश्यू में जो फ्री सर्फेस है वो मॉडिफाई होकर तीन टाइप के स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन करती है और तीनों का अपना अपना फंक्शन होता है। पहले स्ट्रक्चर्स का नाम सुन ले बच्चों, द फर्स्ट वन इज माइक्रोविलाई, द सेकेंड वन इज सीलिया जिसे हम कहते हैं काइनोसीलिया, एंड द थर्ड वन इज स्टीरियोसीलिया। टेबुलर वे में कंपैरिजन के साथ पढ़ेंगे, ध्यान सुने। पहला पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं रिगार्डिंग माइक्रोविलाई, वेरी इजी बच्चों। माइक्रो वर्ड का मतलब होता है छोटा और विलाई वर्ड का मतलब आप जानते हैं फिंगर लाइक प्रोसेस। तो एक्चुअली में क्या होता है, एक और चीज याद रखेंगे, तीनों स्ट्रक्चर में से कोई भी हो निकलेगा कौन से सरफेस से बच्चों, एपिकल सरफेस से। तो इतने याद रखेंगे सेल की एपिकल सरफेस से कुछ छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोसेस जो ओरिजिनेट हो जाया करते हैं उन्हें नाम दिया जाता है माइक्रोविलाई। यानी माइक्रोविलाई छोटे छोटे प्रोसेस होते हैं, माइन्यूट प्रोसेस होते हैं। ऑन द अदर एंड बच्चों जो सीलिया होते हैं वो लॉन्ग प्रोसेस होते हैं, लंबे प्रोसेस होते हैं। ये लॉन्ग प्रोसेस होते हैं, ये बिल्कुल इस पेन की तरह मान सकते हैं, ये सिलेंड्रिकल होते हैं। और खास बात है बच्चों सीलिया का जो डायमीटर होता है वो बेस से लेकर एपेक्स तक यूनिफॉर्म होता है। अब अगर हम बात करें स्टीरियोसीलिया के शेप के बारे में तो इतने याद रखें स्टीरियोसीलिया नाम में सीलिया है तो ये भी इलोंगेटेड प्रोसेस होते हैं, लॉन्ग प्रोसेस होते हैं। पर खास बात है बच्चों इनका डायमीटर नॉन यूनिफॉर्म होता है, ये बेस पर ब्रॉड होते हैं जबकि एपेक्स पर नैरो हो जाते हैं। यानी हम कह सकते हैं स्टीरियोसीलिया आर कॉनिकल इन शेप। तो इतना याद रखेंगे तीनों स्ट्रक्चर्स निकलेंगे एपिकल सरफेस से, माइक्रोविलाई छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोसेस होंगे जबकि सीलिया लंबे लंबे सिलेंड्रिकल प्रोसेस होंगे जिनका डायमीटर यूनिफॉर्म होगा, और स्टीरियोसीलिया लंबे लंबे कॉनिकल शेप प्रोसेस होंगे जिनका डायमीटर नॉन यूनिफॉर्म होता है। आइए बच्चों इनकी अगली प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान सुने। माइक्रोविलाई नॉन मोटाइल होते हैं और नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल होते हैं, यानी माइक्रोविलाई में किसी भी प्रकार का मूवमेंट नहीं पाया जाता है। सिमिलरली बच्चों स्टीरियोसीलिया भी नॉन मोटाइल एंड नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल होते हैं जबकि सीलिया काइनोसीलिया जो है वो मोटाइल होते हैं, कॉन्ट्रेक्टाइल होते हैं। माइक्रोविलाई मूव नहीं करते हैं, स्टीरियोसीलिया मूव नहीं करते हैं जबकि सीलिया में हमें मूवमेंट देखा जाता है। पर एक इंपॉर्टेंट चीज आप याद रखें बच्चों सीलिया में जब भी मूवमेंट होगा वो हमेशा यूनिफॉर्म डायरेक्शन में होगा, यानी सीलिया जब भी मूव करेंगे वो हमेशा एक यूनिफॉर्म डायरेक्शन में मूव करते हैं। अब देखिए बच्चों इनके फंक्शंस की तरफ बढ़ते हैं, आप ध्यान सुनेंगे। माइक्रोविलाई का मेन फंक्शन होता है सरफेस एरिया बढ़ाना। माइक्रोविलाई नॉन मोटाइल है,
नॉन कॉन्टैक्टाइल है, इनका फंक्शन होता है सरफेस एरिया बढ़ाना, ताकि ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो सके, सिक्रेशन हो सके। दोनों वर्ड्स को आज ही समझ ले बच्चों। सेल के अंदर आना वो कहलाता है एब्जॉर्प्शन, सेल से बाहर जाना वो कहलाता है सिक्रेशन। तो माइक्रोविला का मेन फंक्शन है टू इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन। सिमिलरली स्टीरियोसीलिया नॉन मोटाइल एंड नॉन कॉन्टेक्टाइल है, तो इनका फंक्शन भी होता है सरफेस एरिया को इंक्रीज करना। अब देखिए बच्चों, हम बात करते हैं सीलिया के फंक्शन। मैंने आपको बताया सीलिया मोटाइल होते हैं लेकिन एक यूनिफॉर्म डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो देखिए बच्चों, जब ये खुद मूव करेंगे तो इनके कॉन्टेक्ट में जो भी चीज आएगी ये उसको भी एक यूनिफॉर्म डायरेक्शन में मूव करवाएंगे, चाहे वो म्यूकस हो, चाहे वो एग हो, चाहे वो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूड क्यों ना हो। तो इनका फंक्शन क्या है, मूवमेंट एंड लोकोमोशन इन ए यूनिफॉर्म डायरेक्शन। तो इतने याद रखेंगे, एपिथेलियम टिश्यू के जो सेल्स होते हैं उनकी जो एपिकल सरफेस जो कि फ्री है, वो मॉडिफाई होकर तीन टाइप के स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन कर सकती है और तीनों का अपना अपना फंक्शन होता है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो हमें शुरू करनी बच्चों, दैट इज एग्जांपल्स ऑफ ऑल दीज स्ट्रक्चर्स। तो वन बाय वन शुरू करते हैं। पहले बात करने जा रहा हूं एग्जांपल्स ऑफ माइक्रोविलाई। मैंने आपसे कहा माइक्रोविलाई का फंक्शन है सरफेस एरिया बढ़ाना फॉर एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। तो यहां पर हम तीन एग्जांपल्स की बात कर रहे हैं। पहला एग्जांपल मैंने लिखा है वॉल ऑफ इंटेस्टाइन। आप जानते हैं बच्चों, इंटेस्टाइन में माइक्रोविलाई का फंक्शन होता है सरफेस एरिया बढ़ाना, ताकि ज्यादा से ज्यादा फूड का एब्जॉर्प्शन किया जा सके। चलिए बात करते हैं सेकंड एग्जांपल, दैट इज गॉल ब्लैडर। इसको आप ध्यान सुने बच्चों, आप जानते हैं लीवर बाइल जूस का फॉर्मेशन करता है जबकि गॉल ब्लैडर बाइल जूस को स्टोर करता है। आप मुझे खुद सोचकर बताएं बच्चों, पानी को रोकना ज्यादा आसान होगा या फिर शहद को? तो आपका जवाब होगा शहद को, क्योंकि पानी बहुत डाइल्यूट होगा तो आसानी से बहकर चला जाएगा। ऑन द अदर हैंड शहद थोड़ा कंसंट्रेटेड होगा, थोड़ा गाढ़ा होगा, तो वो इतनी आसानी से मूव नहीं करेगा, उसे आसानी से स्टोर किया जा सकता है। तो समझे बच्चों, लीवर से जो बाइल जूस बनकर आता है, मैं आपको एग्जांपल्स भी समझा रहा हूं, लीवर से जो बाइल जूस बनकर आता है वो बहुत ही डाइल्यूट होता है, उसमें वॉटर का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। तो जब ये बाइल जूस गॉल ब्लैडर में पहुंचता है तो गॉल ब्लैडर में हमें माइक्रोविलाई देखने को मिलते हैं और वहां पर ये माइक्रोविलाई सरफेस एरिया बढ़ाते हैं ताकि उस डाइल्यूट बाइल जूस में से वाटर का एब्जॉर्प्शन किया जा सके, ताकि वो बाइल जूस डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड फॉर्म में आ सके, ताकि उसको ज्यादा लंबे समय तक स्टोर किया जा सके। तो इतना याद रखेंगे, गॉल ब्लैडर में माइक्रोविला का फंक्शन होता है द कंसंट्रेशन ऑफ बाइल जूस। चलिए बच्चों, तीसरे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन। PCT आप सभी जानते हैं बच्चों, प्रॉक्सिमल कॉन्वर्टिबल, आपने पढ़ा होगा। बॉमेंस कैप्सूल से हम ब्लड को फिल्टर करते हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उन्हें हम यूरिन से बाहर निकालना चाहते हैं, पर जो हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल हैं उन्हें हम फिर से रीअब्सॉर्ब करना चाहते हैं। और आप ये भी जानते हैं बच्चों, मैक्सिमम रीअब्सॉर्प्शन टेक्स प्लेस थ्रू प्रॉक्सिमल कॉन्वर्टिबल। अप्रोक्सीमेटली 70-80% रीअब्सॉर्प्शन जो है वो पीसीटी से हो जाता है, क्योंकि पीसीटी में पाए जाते हैं माइक्रोविलाई। तो इतने याद रखेंगे, पीसीटी में माइक्रोविलाई सरफेस एरिया बढ़ाते हैं ताकि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का ज्यादा से ज्यादा रीअब्सॉर्प्शन किया जा सके। तो तीनों एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट आप याद रखेंगे, माइक्रोविलाई इंटेस्टाइन में मिलते हैं, गॉल ब्लैडर में मिलते हैं एंड पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन। चलिए बच्चों, हम बात करते हैं एग्जांपल्स ऑफ सीलिया। मैंने आपसे कहा सीलिया का फंक्शन होता है चीजों को एक यूनिफॉर्म डायरेक्शन में मूव करवाना। तो आइए देखते हैं बच्चों, सीलिया कहां कहां पाए जाते हैं। पहला जो एग्जांपल है वो हमने हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक से संबंधित लिया है। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, सीलिया हमारे ट्रैकिया, ब्रोंकस और ब्रोंकियोस में पाए जाते हैं। आपको पता होगा बच्चों, ये तीनों ही रेस्पिरेटरी ट्रैक का पार्ट है, तीनों ही स्ट्रक्चर्स इंटरनली होलो हैं। तो अंदर की तरफ क्या होगा, एपिथेलियम। मैंने आपको बताया बाहर से कवर करना हो तो एपिथेलियम टिश्यू, होलो ऑर्गन की लाइनिंग करनी हो तो एपिथेलियम टिश्यू। तो इन होलो स्ट्रक्चर्स के अंदर एपिथेलियम टिश्यू होता है, कौन सा होगा हम बाद में देखेंगे। और उस एपिथेलियम टिश्यू के सेल्स पर सीलिया पाए जाते हैं, और यहां पर सीलिया का फंक्शन होता है म्यूकस को एक यूनिफॉर्म डायरेक्शन में, यानी कि ओरल कैविटी की तरफ प्रोपेल करना। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एग्जांपल, वो लिखा हुआ बच्चों फेलोपियन ट्यूब। आप जानते हैं ओवरी से आप एग के रिलीज की बात करेंगे, एग में डिफरेंस होता है, ओवम में डिफरेंस होता है, ओसाइट एक अलग चीज है, या आप रिप्रोडक्टिव सिस्टम में डिटेल में पढ़ते हैं। फिलहाल आप इतना याद रखेंगे बच्चों,
फेलोपियन ट्यूब में सीलिया पाए जाते हैं और यहां सीलिया का फंक्शन होगा एग को एक यूनिफॉर्म डायरेक्शन मूव करना। किस तरफ मूव करना बच्चों? टूवर्ड्स द यूटेराइन कैविटी, ताकि एक प्रॉपर साइट पर जाकर उसका फर्दर इम्प्लांटेशन हो सके। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, दैट इज एपिनडाइमल एपिथिलियम। आप जानते हैं बच्चों, हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है, अगर मैं ब्रेन की बात करूं, स्पाइनल कॉर्ड की बात करूं, तो हमारा ब्रेन इंटरनली होलो होता है। ब्रेन की जो कैविटीज होती है उनको वेंट्रिकल्स कहा जाता है। मैं आपको एक एक एग्जांपल समझा रहा हूं, बाकी आपको याद करना है। सुने बच्चों, ब्रेन की जो होलो कैविटीज है उन्हें वेंट्रिकल्स कहते हैं। स्पाइनल कॉर्ड भी इंटरनली होलो होती है और स्पाइनल कॉर्ड की होलो कैविटी को हम सेंट्रल कैनाल कहते हैं। और आपको पता होना चाहिए बच्चों, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर एक फ्लूड भरा होता है जिसे हम कहते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूड। तो ब्रेन के वेंट्रिकल्स और स्पाइनल कॉर्ड की सेंट्रल कैनाल को अंदर से जो एपिथिलियम लाइन करता है उसे हम कहते हैं एपिनडाइमल एपिथिलियम। और वहां उस एपिनडाइमल एपिथिलियम के जो सेल्स होते हैं उन पर पाए जाते हैं सीलिया। वहां सीलिया का फंक्शन क्या होगा? सीएसएफ को एक यूनिफॉर्म डायरेक्शन में सर्कुलेट करना। तो आप इतना याद रखेंगे, हमें सीलिया की प्रेजेंस के तीन एग्जांपल्स देखे हैं। ये हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में मिलता है म्यूकस को मूव करने के लिए, ये फेलोपियन ट्यूब में मिलता है एग को मूव करने के लिए, और ये हमारे ब्रेन के वेंट्रिकल्स में मिलता है सीएसएफ को एक यूनिफॉर्म डायरेक्शन में मूवमेंट प्रोवाइड करने के लिए। चलिए बच्चों, अब हम लास्ट स्टीरियो सीलिया के एग्जांपल्स देखने जा रहे हैं। आप ध्यान सुनेंगे, यहां पर हमने तीन एग्जांपल्स लिखे हैं। दो एग्जांपल्स तो रिप्रोडक्टिव ट्रैक से रिलेटेड हैं। द वन इज एपिडाइमिस एंड वास डिफरेंस। स्ट्रक्चर आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों, एपिडाइमिस और वास डिफरेंस में स्टीरियो सीलिया सरफेस एरिया एनहांस करते हैं। कहीं ना कहीं ये स्पर्म की एनर्जी कंजर्वेशन, मोटिलिटी में कहीं ना कहीं रोल प्ले करते हैं, या रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे। और अगला जो एग्जांपल हमने लिखा है बच्चों, वो है मैकुला एंड क्रिस्टॉफ इनर ईयर। ये ड्यूरिंग द मैकेनिज्म ऑफ ईयर, स्पेशली द मैकेनिज्म ऑफ बैलेंसिंग के दौरान आपको पढ़ाया जाएगा। फिलहाल आप इतना याद रखेंगे, हमारे इंटरनल ईयर में जो मैकुला एंड क्रिस्टा स्ट्रक्चर्स होते हैं वहां पर कहीं ना कहीं बैलेंसिंग में हेल्प करते हैं कौन? स्टीरियोसीलिया। चलिए बच्चों, एक बार क्विक रिवीजन करते हैं जल्दी से। आप ध्यान सुनेंगे, स्टडी ऑफ लाइफ इज नोन एज बायोलॉजी। लाइफ बहुत सारे लेवल्स में, मकसद आपको पता होगा, आपको यही याद करना है, लाइफ बहुत सारे लेवल्स में ऑर्गेनाइज होती है। सेल मिलकर बनाते हैं टिश्यू, टिश्यू मिलकर बनाते हैं ऑर्गन, ऑर्गन मिलकर बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम मिलकर बनाते हैं ऑर्गेनिज्म, और एक ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करता है। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी में चाहे सेल हो या टिश्यू हो या ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम हो, सबने अपना अपना काम बांट रखा है बच्चों, और काम को बांटना कहा जाता है डिविजन ऑफ लेबर। फिर हमने बात करी, जितने भी कॉम्प्लेक्स एनिमल होते हैं उनकी बॉडी में चार बेसिक टाइप ऑफ टिश्यूज पाए जाते हैं। उससे पहले मैंने आपको टिश्यू की डेफिनेशन बताई। टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल, स्ट्रक्चर सिमिलर डिसिमिलर हो सकता है, फंक्शन सिमिलर डिसिमिलर हो सकता है, ओरिजिन हमेशा सिमिलर होना चाहिए, अलोंग विद इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस परफॉर्मिंग ए स्पेसिफिक फंक्शन। चार बेसिक टाइप के टिश्यूज हैं, कवरिंग लाइनिंग एंड प्रोटेक्शन करने वाला एपिथिलियम टिश्यू, ऑल द थ्री जर्मिन लेयर से ओरिजिनेट हो सकता है, ट्रांसपोर्ट करना, सपोर्ट प्रोवाइड करना और कनेक्ट करने वाला कनेक्टिव टिश्यू मेसोडर्मल होता है, कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन की मदद से मूवमेंट एंड लोकोमोशन में हेल्प करने वाला मस्कुलर टिश्यू वैसे तो मेसोडर्मल होता है विद अ फ्यू एक्सेप्शंस, आइरिस एंड सीलियरी बॉडी में हमने देखा। और नर्वस टिश्यू नर्व इंपल्स जनरेट करता है, कंडक्ट करता है और बॉडी के ऑर्गन्स की एक्टिविटी को रेगुलेट करता है। इसका ऑरिजिन है एक्टोडर्मल होता है। फर्स्ट टिश्यू जो हमने शुरू किया, दैट इज एपिथिलियम टिश्यू, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान सबसे पहले ओरिजिनेट होता है, रीजनरेशन पावर मैक्सिमम होती है, यहां पर सेल्स कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होता है, बहुत ही कम इंटरसेलुलर मैट्रिक्स मिलती है, ब्लड सर्कुलेशन कंप्लीटली एब्सेंट होता है। इसीलिए एपिथिलियम टिश्यू हमेशा अपना न्यूट्रिशन लेने के लिए अंडरलाइन कनेक्टिव टिश्यू पर ग्रो करता है, पर दोनों के बीच में एक थिन नॉन सेलुलर नॉन लिविंग सेलेक्टिवली परमिबल बेसमेंट मेम्ब्रेन पाई जाती है, विच इज फॉर्म्ड बाय बोथ एपिथिलियम एज वेल एज कनेक्टिव टिश्यू। फिर हमने बात करी चार टाइप के जंक्शंस के बारे में, इंटर डिजिटेशंस स्ट्रेचेबल ट्रांजिशनल एपिथिलियम, टाइट जंक्शंस कॉलमनर एपिथिलियम, डेस्मोसोम्स नॉन स्ट्रेचेबल स्ट्रेटिफाइड एपिथिलियम, और लास्ट में हमने बात करी गैप जंक्शंस विच अलाउज द रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयंस स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड समटाइम्स मेगर मॉलिक्यूल्स, फॉर एग्जांपल हमारी कार्डियक मसल्स में ये देखने को मिलते हैं। फिर हमने बात करी बच्चों यहां पर मॉडिफिकेशंस ऑफ फ्री सरफेस ऑफ द एपिथिलियल सेल, माइक्रोविलाई, पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन, इंटेस्टाइन एंड गॉलब्लैडर। सीलिया की हमने बात करी, फेलोपियन ट्यूब में है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में है एपिनडाइमल एपिथिलियम, और स्टीरियो सीलिया की हमने बात करी है रिगार्डिंग एपिडाइमिस वास डिफरेंस एंड मैकुला इन क्रिस्टॉफ इनर ईयर। अब देखिए बच्चों, आपके मॉड्यूल के सीक्वेंस को अगर हम फॉलो करें तो इसके बाद आपके मॉड्यूल में बिगनर्स बॉक्स नंबर 1 दिया हुआ है जिसमें टोटल 10 क्वेश्चंस हैं। मैं चाहूंगा आप अपने मॉड्यूल को अपने सामने फिलहाल खोलें,
मैं आपको क्या समय दे रहा हूं, आप उसको जल्दी से एक बार रिव्यू कर लें, आप उसको सॉल्व कर लें, फिर हम आगे एक बेहद इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू करेंगे, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ एपिथेलियम टिश्यू। चलिए बच्चों, अब एक बेहद इंपॉर्टेंट पार्ट हम शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ एपिथेलियम टिश्यू। तो यहां पर हेडिंग लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ एपिथेलियम टिश्यू। एक चीज को आप समझ लें बच्चों, मैंने आपको कहा था एपिथेलियम टिश्यू एक मात्र ऐसा टिश्यू जिसमें सेल लेयर की फॉर्म में अरेंज होते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ लेयर्स ऑफ सेल, हमने एपिथेलियम टिश्यू को दो पार्ट में यहां पर क्लासिफाई किया है। आई रिपीट बच्चों, एपिथेलियम टिश्यू एक मात्र ऐसा टिश्यू इसमें सेल लेयर की फॉर्म में अरेंज होते हैं। तो आखिर सेल की कितनी लेयर्स हैं, उस बेसिस पर एपिथेलियम टिश्यू को दो पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है। देखिए बच्चों, अगर सेल की एक लेयर होगी, इफ देयर इज ओनली सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, तो उसको नाम दिया जाएगा सिंपल एपिथेलियम। और अगर लेयर्स दो या फिर दो से ज्यादा होती हैं, यानी कि इफ द नंबर ऑफ लेयर्स आर टू और मोर, तो उसको नाम दिया जाता है कंपाउंड एपिथेलियम, दैट इज स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। आप जानते हैं बच्चों, स्ट्रेटा का मतलब ही होता है लेयर्स। तो इतना याद रखेंगे, एपिथेलियम टिश्यू इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल लेयर्स। अगर एक लेयर होगी तो सिंपल एपिथेलियम, अगर दो या दो से ज्यादा लेयर होगी तो दैट वुड बी नोन एज कंपाउंड एपिथेलियम, दैट इज स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। अब याद कीजिए बच्चों, मैंने आपको बताया था एपिथेलियम टिश्यू को हम लाइनिंग वाला काम भी देते हैं, प्रोटेक्शन वाला काम भी देते हैं। तो इन जनरल बच्चों, जो लाइनिंग वाला काम है, जैसे हमारी बॉडी में जो होलो स्ट्रक्चर्स हैं, चाहे वो कोई हमारी बॉडी कैविटी हो, जैसे हम सिलोम की बात करेंगे, चाहे कोई वो कोई डक्ट हो या फिर वो कोई ट्यूब हो, तो बस इतना याद रखेंगे बच्चों, जो लाइनिंग वाला काम है वो हमने किसको दिया है, सिंपल एपिथेलियम। तो आपके मॉडल में भी क्लियरली मेंशनड है सिंपल एपिथेलियम सेल की एक लेयर होगी और इसका मेन फंक्शन होगा हमारी बॉडी कैविटी, डक्ट और ट्यूब की लाइनिंग बनाना। ऑन द अदर हैंड बच्चों, जो कवरिंग करके प्रोटेक्शन देने वाला काम होता है वो हमने मेनली किसको दिया है, हमारी कंपाउंड एपिथेलियम। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूं, हमारी जो एपिडर्मिस है बच्चों, ये हमें इन्वेडिंग पैथोजन से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। तो ये जो हमारी एपिडर्मिस है, ये कौन सा एपिथेलियम बच्चों, दैट इज कंपाउंड एपिथेलियम। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं जल्दी से, एपिथेलियम टिश्यू एक मात्र ऐसा टिश्यू इसमें सेल लेयर की फॉर्म में अरेंज होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ लेयर, एपिथेलियम टिश्यू को दो पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है। अगर सेल की एक लेयर होगी तो उसे कहा जाएगा सिंपल एपिथेलियम, और अगर दो या दो से ज्यादा लेयर होंगी, लेयर तो होंगी, अगर लेयर दो या दो से ज्यादा होंगी तो उसको नाम दिया जाएगा कंपाउंड एपिथेलियम। हमें दोनों को वन बाय वन स्टडी करना है, पहले हम शुरू करने जा रहे हैं दैट इज सिंपल एपिथेलियम। अब ये चीज तो कंफर्म है बच्चों कि सिंपल एपिथेलियम अगर है तो सेल की एक लेयर होगी, लेकिन उस एक लेयर में भी आखिर सेल का शेप कैसा है, सेल्स जो हैं वो फ्लैट हो सकते हैं, सेल्स जो हैं वो क्यूब लाइक हो सकते हैं, सेल्स जो हैं वो कॉलम लाइक हो सकते हैं, पिलर लाइक हो सकते हैं। यानी कि सिंपल एपिथेलियम में सेल की लेयर तो एक होगी, पर उस एक लेयर में सेल का शेप कैसा है, उस बेसिस पर सिंपल एपिथेलियम को भी हम तीन पार्ट में क्लासिफाई करेंगे। द फर्स्ट वन इज सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, द सेकंड वन इज सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, एंड द अनदर वन इज सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। तो बच्चों, अब हमें सिंपल एपिथेलियम में इन तीनों एपिथेलियम्स को वन बाय वन स्टडी करना है, पर किस सीक्वेंस में स्टडी करना है उसको आप ध्यान सुनो बच्चों। इन तीनों एपिथेलियम के बारे में कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं, उनके आंसर्स हमें ढूंढने हैं। सबसे पहले तो बच्चों, इन एपिथेलियम में जो सेल्स होंगे उनके हम शेप की बात करेंगे। नंबर टू, उन सेल्स के अंदर न्यूक्लियस की पोजिशन और न्यूक्लियस के शेप की बात करेंगे। नंबर तीन, उस एपिथेलियम का अगर कोई स्पेशल पॉइंट है तो उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। नंबर फोर, उस एपिथेलियम के फंक्शन की बात करेंगे। एंड लास्टली मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये एपिथेलियम कहां पाया जाएगा, यानी हम उनसे संबंधित एग्जांपल्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो आइए बच्चों, सिंपल एपिथेलियम में सबसे पहले जो हम स्टडी करने जा रहे हैं दैट इज सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। यहां पर मैं आपको सेल्स का शेप बताऊं बच्चों, तो यहां पर सेल्स फ्लैट होते हैं, बिल्कुल चपटे होते हैं, टाइल लाइक होते हैं, स्केल लाइक होते हैं। तो बस इतना याद रखेंगे, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम में ए सिंगल लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल्स इज प्रेजेंट। तो मैं आपको वापस से रिवाइज करवा रहा हूं बच्चों, ध्यान सुने, सिंपल एपिथेलियम है यानी सिंगल लेयर होगी, सेल यहां पर फ्लैट होते हैं, टाइल लाइक होते हैं, स्केल लाइक होते हैं विद इररेगुलर बाउंड्रीज, इसलिए हम इसको कह रहे हैं स्क्वैमस एपिथेलियम। अब देखिए बच्चों, सेकेंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, सेल के अंदर न्यूक्लियस की पोजिशन और शेप की बात करेंगे। तो इतना आपको याद रखना है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम में जो न्यूक्लियस होगा वो सेल के बिल्कुल बीचों बीच होता है, यानी सेंटर में होता है।
न्यूक्लियस राउंड होता है, पर आप एक चीज को समझ सकते हैं बच्चों, न्यूक्लियस यहां पर राउंड के साथ साथ फ्लैट देखने को मिलेगा, यानी बिल्कुल कॉइन की तरह होगा। जब सेल ही पिचक गया है तो सेल के अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनल होंगे वो भी पिचक जाएंगे, यानी फ्लैट हो जाएंगे। तो इतना याद रखेंगे, यहां पर सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स मिलेंगी, न्यूक्लियस जो होगा वो सेंटर में होगा, राउंड होगा लेकिन फ्लैट होगा। चलिए तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज स्पेशल पॉइंट्स रिलेटेड टू सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। तो दो टर्म्स आपको यहां पर याद रखने बच्चों, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम बेहद पतला होता है, तो ये आपको तरंगित नजर आ सकता है, वेवी नजर आ सकता है। तो वेवी अपीयरेंस होने की वजह से सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम इज ऑल्सो नोन एज टेसिलेटेड एपिथेलियम, यानी बच्चों वेवी अपीयरेंस की वजह से इसको टेसिलेटेड भी कहा जा सकता है। ऑन द अदर हैंड बच्चों, हमने देखा सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम बेहद पतला होता है, तो ये बिल्कुल फ्लैट होता है, टाइल लाइक होता है, और आप जानते हैं टाइल्स पर हम चल सकते हैं, और जहां पर चला जा सकता है, जो चलने की जगह होती है उसको पेवमेंट कहा जाता है। तो इन जनरल आप इतना याद रखेंगे बच्चों, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम इज ऑल्सो नोन एज पेवमेंट एपिथेलियम ड्यू टू इट्स टाइल लाइक अपीयरेंस। शेप की बात कर चुके हैं, सेल्स के अंदर न्यूक्लियस की पोजीशन की बात कर चुके हैं, स्ट्रक्चर की बात कर चुके हैं, स्पेशल पॉइंट्स में आपको याद रखना है वेवी होने की वजह से टेसिलेटेड एपिथेलियम और टाइल लाइक होने की वजह से पेवमेंट एपिथेलियम। अब चलिए बच्चों इसके फंक्शन की बात करते हैं, तो जाहिर सी बात है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम बेहद पतला होगा बच्चों, तो ये जहां कहीं भी होगा बहुत ही थिन बाउंड्री का फॉर्मेशन करने वाला है। तो अगर आपको कहीं भी फिल्ट्रेशन करना है, यानी छानना है, या फिर आपको चीजों का डिफ्यूजन करवाना है, विसरण करवाना है, तो वहां पर कौन सा एपिथेलियम पाया जाएगा? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, यानी इसका मेन फंक्शन होता है ये फिल्ट्रेशन और डिफ्यूजन के लिए एक बाउंड्री प्रोवाइड करता है। चलिए बच्चों लास्ट पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज एग्जांपल्स जहां पर सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम देखने को मिलता है। देखिए पहला एग्जांपल हमने लिखा है बोमेंस कैप्सूल। स्ट्रक्चर आप पढ़ चुके हैं बच्चों, नेफ्रॉन का जो प्रॉक्सिमल हेड वाला पार्ट होता है वहां पर एक डबल मेम्ब्रेनस वॉल्ड कप शेप स्ट्रक्चर मिलता है जिसे नाम दिया जाता है बोमेंस कैप्सूल। तो देखिए बच्चों इस बोमेंस कैप्सूल की जो इनर वॉल है और जो आउटर वॉल है दोनों पर हमें सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम मिलता है। लॉजिक आप समझ सकते हैं बच्चों, आप जानते हैं बोमेंस कैप्सूल में हम टफ टफ ब्लड कैपिलरीज यानी ग्लोमेरुलस की बात कर रहे हैं, यहां से आपको ब्लड का फिल्ट्रेशन करना है, और जब फिल्ट्रेशन करना है तो ये जो यहां पर इनर वॉल वाली बाउंड्री है ये पतली होनी चाहिए, और पतली बाउंड्री का फॉर्मेशन कौन करेगा? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। तो इतना याद रखेंगे बोमेंस कैप्सूल के अंदर हमें सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम देखने को मिलता है ताकि वहां पर हम ब्लड का फिल्ट्रेशन कर सकें। वैसे ये भी आप जानते हैं बच्चों, ये जो इनर वॉल के सिंपल स्क्वेमस सेल्स होते हैं ये मॉडिफाई हो जाते हैं, इनसे कुछ छोटे छोटे फुट लाइक स्ट्रक्चर्स निकलते हैं जिन्हें हम कहते हैं पेडिकल्स, या आप एक्सक्रीशन में पढ़ेंगे, उन पेडिकल्स का फंक्शन होता है ग्लोमेरुलस को होल्ड करना ताकि वो बोमेंस कैप्सूल से बाहर इजेक्ट ना हो जाए। इसलिए बच्चों इन्हें फुट सेल्स कहते हैं या फिर पोडोसाइट्स कहते हैं। तो पहला एग्जांपल याद रखेंगे बोमेंस कैप्सूल में ब्लड का फिल्ट्रेशन करवाने के लिए वहां पर सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। अगले दो एग्जांपल्स साथ में समझते हैं बच्चों, एक तो है एल्वियोलाई ऑफ लंग्स और एक है एंडोथेलियम। देखिए बच्चों आप जानते हैं जब हम थ्रू द मैकेनिज्म ऑफ इंस्पायरेशन आप ऑक्सीजन से भरपूर हवा को अंदर लाते हैं तो वो फाइनली पहुंचती है आपकी एल्वियोलाई के अंदर। अब एल्वियोलाई से आपको इस ऑक्सीजन को कहां पहुंचाना है? ब्लड वेसल में, और ब्लड वेसल से CO2 वापस कहां पहुंचाना है? एल्वियोलाई में। यानी बच्चों एल्वियोलाई की मेम्ब्रेन के अक्रॉस गैसेस का एक्सचेंज होना है और ब्लड वेसल की मेम्ब्रेन के अक्रॉस भी गैसेस का एक्सचेंज होना है, और जहां पर गैसेस का डिफ्यूजन करवाना है दोनों ही मेम्ब्रेन बहुत पतली होनी चाहिए, थिन होनी चाहिए। इसलिए बच्चों एल्वियोलाई के अंदर भी हमें सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम देखने को मिलेगा, और ब्लड कैपिलरी की जो इनमोस्ट लेयर है एंडोथेलियम उसमें भी हमें सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम देखने को मिलता है। लेकिन एक और चीज समझे बच्चों, एल्वियोलाई के अंदर सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम के साथ साथ हमें एक और सिंपल क्यूबॉइडल सेल्स भी देखने को मिलते हैं जिनका फंक्शन होता है लेसिथिन का सिक्रेशन ताकि एल्वियोलाई को कॉलेप्स होने से बचाया जा सके। और बच्चों इन दोनों सेल्स को अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। जो सिंपल स्क्वेमस सेल्स होते हैं उन्हें नाम दिया जाता है type 1 न्यूमोसाइट, ऑन द अदर हैंड जो सिंपल क्यूबॉइडल सेल्स होते हैं उन्हें नाम दिया जाता है type 2 न्यूमोसाइट। तो बस इतना याद रखेंगे एल्वियोलाई के अंदर जो type 1 न्यूमोसाइट है और हमारी एंडोथेलियम जो है ये किसका एग्जांपल है? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। अगले एग्जांपल्स की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, दैट इज मेसोथेलियम। मैंने आपको शुरुआत में बताया था बच्चों मेसोथेलियम एक ऐसा एपिथेलियम है जो कि मेसोडर्म से ओरिजिनेट होता है और ये हमारी
सिलोम की लाइनिंग करता है। यहां पर कुछ बातें हम समझ लें बच्चों, ऐसी बॉडी कैविटी, सारी बॉडी कैविटीज नहीं बच्चों, ऐसी बॉडी कैविटीज जो कि दोनों तरफ से मीजोडर्म से लाइन होती हैं, सच कैविटीज आर नोन एज सिलोम। अब बच्चों सिलोम की वो जो मीजोडर्मल लाइनिंग होती है उसे कहा जाता है मीजोथीलियम। जैसे बच्चों मैं आपको तीन ट्रू सिलोम के नाम बताता हूं हमारी बॉडी में, एक तो है थोरेसिक कैविटी, एक है एब्डोमिनल कैविटी एंड द अनदर वन इज पेरिकार्डियल कैविटी। तो देखिए बच्चों ये तीनों ट्रू सिलोम है और इन तीनों की जो आउटर और इनर लाइनिंग है वो मीजोथीलियम है, और इस मीजोथीलियम को तीनों जगह पर अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। मैंने आपसे शुरुआत में कहा था बच्चों एनिमल टिश्यू एंटायर ह्यूमन फिजियोलॉजी को कनेक्ट करते हुए चलता है, तो आप यहीं पर समझ लें ताकि वहां पर आपके लिए आसान हो जाए। तो इतना समझे बच्चों, थोरेसिक कैविटी की जो मीजोथीलियम होती है उसे नाम दिया जाता है प्लूरा, बाहर वाली पेराइटल प्लूरा, अंदर वाली विसरल प्लूरा, यहां पर मेंशन्ड है पेराइटल प्लूरा एंड विसरल प्लूरा। सिमिलरली एब्डोमिनल कैविटी एक सिलोम है, उसकी जो मीजोथीलियम है उसे नाम दिया जाता है बच्चों पेरिटोनियम, बाहर वाली पेराइटल पेरिटोनियम, अंदर वाली विसरल पेरिटोनियम। सिमिलरली पेरिकार्डियल कैविटी एक ट्रू सिलोम है और उसकी जो मीजोथीलियम है उसे नाम दिया जाता है पेरिकार्डियम, बाहर वाली पेराइटल पेरिकार्डियम और अंदर वाली विसरल पेरिकार्डियम। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप इतना याद रखें बच्चों, हमारी पेरिटोनियम, हमारी पेरिकार्डियम और हमारी प्लूरा, ऑल दीज थ्री आर मीजोथीलियम, दैट इज द कवरिंग ऑफ सिलोम। और ये तीनों किससे बनती है बच्चों, सिंपल स्क्वेमस एपिथीलियम। देखिए यहां पर एक एग्जाम्पल लिखा है मैंने, आउटर सरफेस ऑफ इंटेस्टाइन वो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम है। आप समझ सकते हैं बच्चों इंटेस्टाइन इज प्रेजेंट इन द एब्डोमिनल कैविटी, तो जो आपकी एब्डोमिनल बॉडी वॉल है उससे तो अटैच होगी पेराइटल पेरिटोनियम, और इंटेस्टाइन के आउटर सरफेस पर प्रेजेंट होगी विसरल पेरिटोनियम, एंड पेरिटोनियम इज नथिंग बट मीजोथीलियम। तो दिस इज वन मोर इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, मीजोथीलियम इज द लाइनिंग ऑफ सिलोम एंड इट इज मेड अप ऑफ सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। चलिए बच्चों अगला एग्जाम्पल यहां लिखा है थिन पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले। आप नेफ्रॉन जानते ही हैं, बोमेंस कैप्सूल, पीसीटी, डिसेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले, डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट वैसे नेफ्रॉन का पार्ट नहीं होता है, तो इतने याद रखेंगे हेनलेज लूप का जो थिन पार्ट होता है इट इज इंटरनली लाइंड बाय सिंपल स्क्वेमस एपिथिलियम। अगला एग्जाम्पल बच्चों एंडोकार्डियम। एग्जाम्पल्स को हम थोड़ा फास्ट कवर कर रहे हैं या आपको मेमोराइज करने हैं, बस कंसेप्ट आप समझते चले बच्चों, जहां भी आपको फिल्ट्रेशन डिफ्यूजन या लाइनिंग करनी है वहां पर सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की हम बात कर रहे हैं। तो देखिए बच्चों हार्ट की जो वॉल होती है उसमें आपको तीन लेयर्स देखने को मिलती है, बाहर की तरफ एपिकार्डियम, बीच में मायोकार्डियम और अंदर की तरफ एंडोकार्डियम। तो जो एंडोकार्डियम होती है ये भी किसका एग्जाम्पल है, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। चलिए बच्चों दिस इज ऑल अबाउट सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। अगली एपिथेलियम की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। उन्हीं पांच सवालों के जवाब देने हैं। देखिए बच्चों सिंपल है इसका मतलब सेल की एक लेयर होगी, यहां पर सेल्स क्यूब लाइक होते हैं इसलिए हम इसको कह रहे हैं सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। सेकेंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, इन क्यूबॉइडल सेल्स के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो बिल्कुल बीचों बीच होता है, यानी सेंटर में होगा, राउंड होता है, पर खास बात है बच्चों यहां पर फ्लैट नहीं होगा, यहां पर वो स्फेरिकल होता है, क्योंकि सेल जब फ्लैट नहीं है तो न्यूक्लियस यहां पर हमें एक बॉल की तरह दिखता है, स्फेरिकल दिखता है। चलिए बच्चों अब इसके स्पेशल पॉइंट की बात करते हैं, ध्यान सुनेंगे। सिंपल स्क्वेमस को आपने टेसिलेटेड नाम दिया था, आपने उसको पेवमेंट नाम दिया था, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम इज ऑल्सो नोन एज जर्मिनल एपिथेलियम। देखिए बच्चों नाम से पता चल रहा है, क्योंकि सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम हमारे गोनेट्स में पाया जाता है, जैसे कि मेल गोनेट टेस्टिस एंड फीमेल गोनेट ओवरी, और वहां पर इस एपिथेलियम के जो सेल्स होते हैं उनके डिविजन से गैमेट्स जर्मिनेट होते हैं। जैसे फीमेल में वहां पर हम ओवा के जर्मिनेशन की बात करेंगे और मेल में हम टेस्टिस में स्पर्म्स के जर्मिनेशन की बात करेंगे। तो आपको इतना याद रखना है, ऐसा एपिथेलियम जो कि हमारे गोनेट्स में पाया जाता है और वहां पर इस एपिथेलियम के सेल के डिवीजन से गैमेट्स जर्मिनेट होते हैं, इसलिए इसको नाम दिया जाता है जर्मिनल एपिथेलियम। फंक्शंस की बात करें बच्चों, तो सिंपल क्यूबॉइड एपिथेलियम के इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन और एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। चलिए अब इसके एग्जांपल्स की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान सुनेंगे बच्चों। एनसीईआरटी ने ग्लैंड्स के लिए एक स्टेटमेंट लिखा है, मोस्ट ऑफ द ग्लैंड्स ऑफ आवर बॉडी आर मेड अप ऑफ सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। आप जानते हैं बच्चों ग्लैंड्स का फंक्शन होता है सिक्रीशन करना, और हमने देखा
सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम का फंक्शन भी क्या है, एब्जॉर्प्शन सिक्रीशन। तो इतना याद रखेंगे बच्चों। पहला एग्जांपल लिखा है सिक्रेटरी यूनिट ऑफ स्वेट ग्लैंड। यहां पर आप कंफ्यूज ना हो जाए, आपको पता होना चाहिए बच्चों इन जनरल ग्लैंड में दो स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। एक तो होती है सिक्रेटरी यूनिट, जहां पर ग्लैंड अपना सिक्रेटरी प्रोडक्ट बनाती है, और दूसरी चीज होती है सिक्रेटरी डक्ट, जिसकी मदद से वो अपने सिक्रीशन को टारगेट साइट तक पहुंचाती है। वैसे जरूरी नहीं है कि हर एक ग्लैंड में डक्ट हो, लेकिन ग्लैंड है तो सिक्रेटरी यूनिट तो होगी। तो इतना याद रखें बच्चों, जो हमारी स्वेट ग्लैंड होती है उसकी जो सिक्रेटरी यूनिट होती है, यानी वो यूनिट जहां पर स्वेट का फॉर्मेशन होता है, तो हमारी स्वेट ग्लैंड की जो सिक्रेटरी यूनिट होती है वहां पर मिलता है सिंपल क्यूबॉइडल। क्योंकि हम बाद में देखेंगे बच्चों स्वेट ग्लैंड की जो डक्ट होती है उसमें मिलेगा स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल, जो कि कंपाउंड एपिथेलियम है। तो आप इतना याद रखेंगे सिक्रेटरी यूनिट ऑफ स्वेट ग्लैंड, इट इज इंटरनली लाइंड बाय सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अगला एग्जांपल हमने लिखा है एसिनाई ऑफ पैनक्रियाज। आप जानते हैं बच्चों पैनक्रियाज में एंडोक्राइन पार्ट होता है आइसलेट ऑफ लैंगरहंस, जहां से आप हार्मोन के सिक्रेशन की बात करते हैं, जबकि एसिनाई है एक्सोक्राइन पार्ट, जहां से हम डाइजेस्टिव एंजाइम्स के सिक्रीशन की बात करते हैं। तो पैनक्रियास के एसिनाई यूनिट इज इंटरनली लाइंड बाय सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। सिमिलरली अगला एग्जांपल लिखा है बच्चों वेसिकल्स ऑफ थायराइड ग्लैंड। मैं एक एक एग्जांपल पर कुछ स्टेटमेंट्स आपको समझा रहा हूं ताकि बाकी टॉपिक्स में आपको बहुत आसानी हो जाए। तो समझे बच्चों, आप जानते हैं हमारी जो थायराइड ग्लैंड होती है उसमें भी कुछ राउंड राउंड स्ट्रक्चर्स मिलते हैं जिन्हें हम कहते हैं थायराइड वेसिकल्स या फिर थायराइड फॉलिकल्स, और उन फॉलिकल्स के अंदर होता है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, जहां पर उसका फंक्शन होता है थायराइड हॉर्मोन्स का सिक्रीशन करना, जैसे कि थायरोक्सिन के सिक्रीशन की हम बात कर सकते हैं। अगला एग्जाम्पल हमने लिखा है हमारी आईज में कुछ स्ट्रक्चर हैं जैसे कि आयरिस, कोरॉइड और सीलियरी बॉडी, और रेटिना की जो एपिथेलियम होती है इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। एक एग्जांपल मैं आपको पहले बता चुका हूं बच्चों, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम हमारे गोनेट्स में मिलता है, डिवीजन से गैमेट्स जर्मिनेट करता है, इसलिए इसको जर्मिनल एपिथेलियम भी कहा जाता है। अब बच्चों मैं आपको सिंपल क्यूबॉइडल के दो मॉडिफाइड वर्जन बता रहा हूं, पर उससे पहले एक पार्ट आप समझ लें बच्चों, अगर सेल्स पर माइक्रोविलाई आ जाएंगे तो आप प्रीफिक्स यूज करेंगे ब्रश बॉर्डर, अगर सेल पर सीलिया आ जाएंगे तो आप प्रीफिक्स यूज करेंगे सीलिएटेड, अगर सेल पर स्टीरियोसीलिया आएंगे तो आप प्रीफिक्स यूज करेंगे स्टीरियोसीलिएटेड, और लास्टली बच्चों अगर एपिथेलियम टिश्यू के सेल्स के बीच में एक स्पेशल टाइप का सिक्रेटिंग सेल आ जाता है जैसे कि गॉबलेट सेल, तो आप प्रीफिक्स यूज करेंगे ग्लैंडुलर एपिथेलियम। तो देखिए बच्चों सिंपल क्यूबॉइडल के दो मॉडिफिकेशन की अब मैं बात करने जा रहा हूं विद अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, दैट इज नेफ्रॉन। तो समझे बच्चों नेफ्रॉन का जो पीसीटी वाला पार्ट है ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, नेफ्रॉन के पीसीटी में माइक्रोविलाई देखने को मिलते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो सके। तो देखिए बच्चों नेफ्रॉन के पीसीटी वाले पार्ट में जो सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम होता है उस पर माइक्रोविलाई पाए जाते हैं, इसलिए उसको कहा जाता है ब्रश बॉर्डर सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। और साथ ही साथ बच्चों नेफ्रॉन का जो कलेक्टिंग डक्ट वाला पार्ट है वहां पर जो सिंपल क्यूबॉइडल सेल्स हैं उनके ऊपर सीलिया पाए जाते हैं, तो वहां पर देखने को मिलता है सीलिएटेड सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो सिंपल क्यूबॉइडल के दो मॉडिफिकेशंस आपको याद रखने हैं, एक माइक्रोविलाई के साथ ब्रश बॉर्डर जो कि पीसीटी में मिलता है, और सीलिया के साथ सीलिएटेड सिंपल क्यूबॉइडल जो कि कलेक्टिंग डक्ट में देखने को मिलता है। चलिए बच्चों सिंपल स्क्वेमस सिंपल क्यूबॉइडल के बाद सिंपल एपिथेलियम का लास्ट पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। वही पांच पॉइंट डिस्कस करने हैं बच्चों, यहां पर सेल्स का शेप जो होगा वो पिलर होगा यानी कॉलम लाइक होगा, सेल की एक लेयर होगी सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। यहां पर न्यूक्लियस की पोजीशन और शेप को आप जरूर ऑब्जर्व करें, यहां पर बच्चों न्यूक्लियस इलोंगेटेड होता है, ओवल होता है, लेकिन वो सेल के बेसल पार्ट पर सिचुएटेड होता है। तो इतना याद रखेंगे यहां पर सेल कॉलम लाइक होते हैं लेकिन न्यूक्लियस इलोंगेटेड होता है, ओवल होता है, एंड इट इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द स्कल, बेस ऑफ द सेल। चलिए बच्चों अब बात करते हैं स्पेशल पॉइंट। सिंपल कॉलम में एज सच कोई स्पेशल पॉइंट नहीं है, तो यहां पर एनसीईआरटी का एक वर्ड आप जरूर याद रखेंगे, सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम में जो सेल्स होते हैं बच्चों वो टॉल एंड स्लेंडर होते हैं। टॉल का मतलब तो लंबे होते हैं, स्लेंडर का मतलब होता है थिन होते हैं यानी पतले होते हैं। चलिए बच्चों अब इसके फंक्शंस की बात कर लेते हैं।
सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम जो है वो एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन में हेल्प करता है। अब हम एग्जांपल्स की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। इसके लिए एक सिंपल सा एग्जांपल आपको याद रखना है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यानी बच्चों हमारे स्टमक में और हमारी इंटेस्टाइन में मिलता है सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम और वहां पर ये एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन में हेल्प करता है। अब देखिए बच्चों, मैं सिंपल कॉलमनर के कुछ एग्जांपल्स आपको बता रहा हूं, आप ध्यान सुनेंगे। एक हम बात कर रहे हैं लीवर की, एक हम बात कर रहे हैं बाइल डक्ट की। तो लीवर और बाइल डक्ट में सिंपल कॉलमनर है और साथ ही साथ यूट्रस में मिलता है सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। अब इंपॉर्टेंट चीज समझे बच्चों, सिंपल क्यूबॉइडल के दो मॉडिफाइड वर्जन मैंने आपको बताए थे, ब्रश बॉर्डर्ड विद माइक्रोविलाई एंड सीलेटेड विद सीलिया। उसी तरह से बच्चों सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम के 5 मॉडिफाइड वर्जन देखने को मिलते हैं। यहां पर ये जो डायग्राम आपको देखने को मिल रहा है बच्चों, ये आपके मॉडल में एज इट इज बना हुआ है। मैं उम्मीद करता हूं मॉडल आपके सामने रखा हुआ है, यहां क्लियरली नहीं दिख रहा है, आप वहां पर ऑब्जर्व कर सकते हैं। यहां हम पढ़ने जा रहे हैं द मॉडिफिकेशंस ऑफ सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। और देखिए बच्चों, सिंपल कॉलमनर के 5 मॉडिफाइड वर्जन हैं। नाम मैं आपको पहले बता चुका हूं, प्रीफिक्स आपको कैसे ऐड करने हैं, बस जल्दी से इस पार्ट को कवर करते हैं बच्चों। सिंपल कॉलमनर है, अगर माइक्रोविलाई आ गए तो नाम हो जाएगा ब्रश बॉर्डर सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। एग्जांपल्स आप देखते चलेंगे बच्चों, ये मिलता है गॉल ब्लैडर में। अगर इन सिंपल कॉलमनर सेल्स के बीच में म्यूकस सिक्रेटिंग सेल यानी कि गॉबलेट सेल अगर आ गया तो नाम क्या लग जाएगा, ग्लैंडुलर। तो ये हो जाएगा ग्लैंडुलर सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। ये मिलता है हमारे स्टमक में और लार्ज इंटेस्टाइन में। देखिए बच्चों, अगले मॉडिफिकेशन में मैं क्या कर रहा हूं, इन दोनों को कंबाइन कर रहा हूं। आप ध्यान से देखिए, यहां पर गॉबलेट सेल भी है तो ग्लैंडुलर प्रीफिक्स ऐड होगा, साथ ही साथ माइक्रोविलाई भी है यानी कि ब्रश बॉर्डर प्रीफिक्स भी ऐड होगा। तो इसका नाम क्या हो गया है, ग्लैंडुलर ब्रश बॉर्डर सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। ये मिलता है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में फॉर द पर्पस ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। अगला मॉडिफाइड वर्जन देखिए, सिंपल कॉलमनर है, पिलर लाइक सेल, वहां पर सीलिया अराइज हो गए तो वेरी इजी बच्चों, नाम हो जाएगा सीलिएटेड सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। ये मिलता है फेलोपियन ट्यूब में और एपिनडाइमल एपिथेलियम। याद कीजिए, फेलोपियन ट्यूब में सीलिया का फंक्शन होगा एग को मूव करना और एपिनडाइमल एपिथेलियम में सीएसएफ को सर्कुलेट करना। इसका लास्ट मॉडिफाइड वर्जन है बच्चों, दैट इज स्टीरियोसीलिएटेड सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम और ये पाया जाता है हमारे एपिडाइमिस और वास डिफरेंस में। सिंपल स्क्वेमस हमने पढ़ा बच्चों, सिंपल क्यूबॉइडल हमने पढ़ा दो मॉडिफाइड वर्जन, सिंपल कॉलमनर हमने पढ़ा विद 5 मॉडिफाइड वर्जन्स। लेकिन एक और चीज समझे बच्चों, सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम का ही एक और मॉडिफाइड वर्जन होता है जो हम अलग से पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। पहले तो आप इस चीज को समझे बच्चों, सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम इज द मॉडिफिकेशन ऑफ सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। बस एक्चुअली यहां क्या होता है, मैं आपको डायग्राम से समझा रहा हूं, आप ध्यान से देखिए बच्चों। सिंपल कॉलमनर में तो सारे ही सेल्स टॉल यानी लंबे होते हैं, लेकिन क्या हुआ, सिंपल कॉलमनर के ही कुछ सेल्स बीच में थोड़े से छोटे हो गए बच्चों, इतने भी छोटे नहीं हुए हैं कि वो सिंपल क्यूबॉइडल के बराबर आ जाएं। इस चीज को आप समझे बच्चों, सिंपल कॉलमनर में तो सारे सेल्स लंबे होते हैं, उसी का एक मॉडिफाइड वर्जन है। यहां पर क्या हुआ, लंबे सेल्स तो हैं पर कुछ लंबे सेल बीच में थोड़े से छोटे हो गए हैं। तो सूडो स्ट्रेटिफाइड इज एक्चुअली द मॉडिफिकेशन ऑफ सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम और यहां पर लंबे सेल थोड़े से छोटे होकर टॉल के साथ शॉर्ट सेल का फॉर्मेशन भी करते हैं। यानी बच्चों, इस एपिथेलियम में दो अलग अलग टाइप के सेल देखने को मिलेंगे, एक तो होंगे टॉल सेल जो कि प्योरली लंबे हैं और एक होंगे शॉर्ट सेल जो कि टॉल सेल से थोड़े से छोटे होंगे। आप डायग्राम में भी देख सकते हैं बच्चों, यहां पर कुछ तो होते हैं टॉल सेल और कुछ होते हैं शॉर्ट सेल। यानी सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम कंसिस्ट ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। अब नाम को समझते हैं बच्चों, आखिर इसे सूडो स्ट्रेटिफाइड क्यों कहा गया। याद कीजिए, सिंपल एपिथेलियम सिंगल लेयर ऑफ सेल, जबकि कंपाउंड एपिथेलियम को हमने नाम दिया था स्ट्रेटिफाइड। बच्चों, स्ट्रेटिफाइड वर्ड का मतलब तो होता है मल्टी लेयर, यानी दो या दो से ज्यादा लेयर। लेकिन आप खुद सोचिए, अगर ये मल्टी लेयर होता तो आप इसको सिंपल एपिथेलियम स्टडी नहीं कर रहे होते। तो वर्ड समझे बच्चों, नाम के आगे प्रीफिक्स जुड़ा है सूडो, सूडो का मतलब होता है फॉल्स, झूठ मूठ का मल्टी लेयर है, लगता मल्टी लेयर है पर होता नहीं है। आप इसको ध्यान समझे बच्चों, एक्चुअली में
जो टॉल सेल हैं और जो शॉर्ट सेल हैं, दोनों में न्यूक्लियस की पोजीशन एक्चुअली में डिफरेंट आपको देखने को मिलेगी। टॉल सेल में न्यूक्लियस बेस पर है, जबकि शॉर्ट सेल में वो सेंटर में होगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, जब आप इसको बिना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के स्टडी करेंगे, किसी सिंपल माइक्रोस्कोप में जब आप इसको स्टडी करेंगे, जो दोनों टाइप के सेल्स में न्यूक्लियस है उनकी पोजीशन आपको अलग देखने को मिलेगी। तो आपको ऐसा लगेगा कि सेल्स दो अलग अलग लेयर की फॉर्म में अरेंज हैं, पर जब आप इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में स्टडी करेंगे तो आप पाएंगे बच्चों, चाहे वो टॉल सेल हो चाहे वो शॉर्ट सेल हो, दोनों ही टाइप के सेल एक ही बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर रखे हुए हैं। यानी कोई भी सेल किसी दूसरे सेल के ऊपर लाई नहीं करता है, चाहे वो टॉल सेल हो चाहे वो शॉर्ट सेल हो, बोथ द टाइप्स ऑफ सेल लाइज और रेस्ट ऑन द सिंगल बेसमेंट मेम्ब्रेन। यानी ये लगता बाईलेयर्ड है, लगता मल्टीलेयर्ड है, लगता स्ट्रेटिफाइड है, पर एक्चुअल में होता नहीं है। इसलिए नाम के आगे हमने प्रीफिक्स वर्ड यूज किया, दैट इज सूडो। तो आप इतना याद रखेंगे, सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथिलियम इज द मॉडिफिकेशन ऑफ सिंपल कॉलमनर एपिथिलियम। चलिए बच्चों, लास्ट में अब हम इसके एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। तो हम यहां पर रेस्पिरेटरी ट्रैक को आप जरूर याद रखेंगे, ये हमारे नेजल चैंबर्स की जो रेस्पिरेटरी एपिथिलियम है वहां पाया जाता है, ये हमारे ट्रैकिया में मिलता है और ब्रोंकाई में। एक्चुअली मैं आपको मॉडिफिकेशन बताना भूल गया हूं, आप उसको थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लें बच्चों। सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथिलियम का एक ही मॉडिफाइड वर्जन है। देखिए, सूडो स्ट्रेटिफाइड है, आप देख सकते हैं टॉल सेल है शॉर्ट सेल है, टॉल सेल है शॉर्ट सेल है, टॉल सेल है शॉर्ट सेल है, यानी ये सूडो स्ट्रेटिफाइड है। लेकिन इस एपिथेलियम में बीच में बच्चों देखिए ग्लैंडुलर सेल आ चुका है, गॉबलेट सेल आ चुका है, तो आप प्रीफिक्स जोड़ देंगे ग्लैंडुलर। साथ ही साथ देखिए यहां पर सीलिया अराइज हो चुके हैं, तो प्रीफिक्स ऐड होगा सीलिएटेड। तो देखिए सूडो स्ट्रेटिफाइड का एक मॉडिफाइड वर्जन तैयार हुआ है। आप इसका नाम पूरा मेरे साथ दोहराएंगे बच्चों, सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर का मॉडिफिकेशन है, इसलिए हम कह रहे हैं कॉलमनर सीलिएटेड ग्लैंडुलर एपिथिलियम, शॉर्ट में कहते हैं इसको PSCCGE, दैट इज सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर सीलिएटेड ग्लैंडुलर एपिथिलियम। और इतना याद रखें, हमने एग्जांपल्स देखे, ये मेनली हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में देखने को मिलता है, चाहे वो हमारे ब्रोंकाई हो चाहे वो ट्रैकिया हो या नेजल चैंबर्स की रेस्पिरेटरी एपिथिलियम हो। और यहां पर इसके फंक्शंस को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं बच्चों, इन तीनों ही स्ट्रक्चर्स में हम म्यूकस की बात करेंगे, क्योंकि गॉबलेट सेल म्यूकस सिक्रेट करेगा, उसमें डस्ट पार्टिकल ट्रैप होंगे और सीलिया की मदद से उसको आप एक यूनिफॉर्म डायरेक्शन में मूव करवा पाएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट सिंपल एपिथिलियम। चलिए बच्चों, नाउ मूविंग ऑन टू द सेकेंड हाफ ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एपिथिलियम टिश्यू, दैट इज कंपाउंड एपिथिलियम, ऑल्सो नोन एज स्ट्रेटिफाइड एपिथिलियम। हम पढ़ चुके बच्चों, सिंपल एपिथिलियम का मतलब होता है सिंगल लेयर्ड एपिथिलियम, ऑन द अदर हैंड कंपाउंड एपिथिलियम का मतलब होता है मल्टी लेयर्ड एपिथिलियम, यानी यहां पर सेल्स की जो लेयर्स होंगे उनका नंबर एक से ज्यादा देखने को मिलेगा। मूविंग ऑन टू द सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान सुनिए बच्चों, कंपाउंड एपिथिलियम का एब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन में बहुत ही कम रोल होता है। आपकी एनसीईआरटी क्लियरली लिखती है बच्चों, कंपाउंड एपिथिलियम हैज लिमिटेड रोल इन एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन। क्योंकि याद कीजिए, हम पढ़ चुके हैं बच्चों, एब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन करवाना ये किसका फंक्शन होता है, सिंपल एपिथिलियम। और अगर आपको याद हो, सिंपल एपिथिलियम में भी किसका होता है, या तो सिंपल क्यूबॉइडल एपिथिलियम या फिर सिंपल कॉलमनर एपिथिलियम। बस इतना याद रखेंगे, कंपाउंड एपिथिलियम मल्टीलेयर्ड होती है, इसका एब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन में बहुत ही कम रोल होता है। तो आइए बच्चों जानते हैं इस एपिथिलियम का मेन फंक्शन क्या होता है। तो कंपाउंड एपिथिलियम का मेन फंक्शन होता है टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस। जाहिर सी बात है बच्चों, मैंने आपसे कहा कंपाउंड एपिथिलियम मल्टीलेयर्ड होगा, और जब मल्टीलेयर्ड होगा तो किसी भी मैकेनिकल स्टिमुलस के या फिर किसी केमिकल रिएजेंट के उस मल्टीलेयर्ड एपिथिलियम को पेनिट्रेट करने के जो चांसेस होंगे वो सिंपल एपिथिलियम के कंपैरिजन में काफी कम होंगे। तो आई रिपीट बच्चों, रिवाइज करते हैं, कंपाउंड एपिथिलियम मल्टीलेयर्ड होगा, इसका एब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन में बहुत ही कम रोल होता है, इसका मेन फंक्शन होता है हमें मैकेनिकल और केमिकल डैमेज से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। अच्छा चलिए बच्चों, उसी सीक्वेंस को हम फॉलो करते हैं। हमने पहले सिंपल एपिथिलियम का क्लासिफिकेशन पढ़ा था, आज हम कंपाउंड एपिथिलियम का क्लासिफिकेशन पढ़ने जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेचिंग एबिलिटी। तो आपको याद रखना है, होगा तो ये एपिथिलियम मल्टीलेयर्ड,
लेकिन उस मल्टी लेयर्ड एपिथेलियम में खिंचाव होने की क्षमता यानी स्ट्रेच होने की एबिलिटी है या फिर नहीं है, उस बेसिस पर कंपाउंड एपिथेलियम यानी स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम को हम दो पार्ट में क्लासिफाई करेंगे। द फर्स्ट वन इज स्ट्रेचेबल एपिथेलियम और इसमें हम पढ़ेंगे बच्चों ट्रांजिशनल एपिथेलियम एंड द अनदर वन इज नॉन स्ट्रेचेबल एपिथेलियम। पर यहां पर मैं आपको एक चीज पहले क्लियर कर दूं बच्चों, वैसे तो कंपाउंड एपिथेलियम को ही कहा जाता है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, पर कभी कभार बच्चों इन जनरल जो नॉन स्ट्रेचेबल एपिथेलियम है उसको भी स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम कह दिया जाता है। तो आपको अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस बेस्ट ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना होगा। और बच्चों नॉन स्ट्रेचेबल एपिथेलियम में हम तीन एपिथेलियम के बारे में स्टडी करेंगे। द फर्स्ट वन इज स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, द सेकंड वन इज स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम एंड द लास्ट वन इज स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम। तो बच्चों कंपाउंड एपिथेलियम में हमें दो एपिथेलियम की स्टडी करनी है, एक है स्ट्रेचेबल यानी ट्रांजिशनल एपिथेलियम और एक होगा नॉन स्ट्रेचेबल एपिथेलियम। तो वन बाय वन इनके हम स्टडी करते हैं। पहले हम शुरू करते हैं बच्चों दैट इज स्ट्रेचेबल एपिथेलियम आल्सो नोन एज ट्रांजिशनल एपिथेलियम। एक बात तो आपको याद होगी बच्चों, जब हमने इंटरसेलुलर जंक्शंस पढ़े थे मैंने आपको बताया था ट्रांजिशनल एपिथेलियम में हमें इंटर डिजिटेशंस देखने को मिलते हैं, जबकि नॉन स्ट्रेचेबल एपिथेलियम में स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम में हमें डेस्मोसोम्स देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला एपिथेलियम जो हम कंपाउंड में शुरू करने जा रहे हैं दैट इज स्ट्रेचेबल एपिथेलियम आल्सो नोन एज ट्रांजिशनल एपिथेलियम। आप खुद मुझे सोच कर बताएं बच्चों ये एपिथेलियम सिंगल लेयर्ड होगा या फिर मल्टी लेयर्ड होगा। तो हम पढ़ चुके हैं ये कंपाउंड एपिथेलियम का पार्ट है तो इट वुड बी डेफिनेटली ए मल्टी लेयर्ड एपिथेलियम। और यहां पर बच्चों हमें सेल्स की 4 to 6 लेयर्स देखने को मिलती है। एक काम करते हैं सीधे मैं आपको ट्रांजिशनल एपिथेलियम के स्ट्रक्चर की तरफ ले चलता हूं। जाहिर सी बात है बच्चों चूंकि ये एपिथेलियम टिश्यू है तो हम यहां पर बेसमेंट मेम्ब्रेन की बात करेंगे, नीचे की तरफ हम न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए कनेक्टिव टिश्यू की बात करेंगे। अब बच्चों ट्रांजिशनल एपिथेलियम के स्ट्रक्चर को आइए डिटेल में पढ़ते हैं, याद रखेंगे मल्टीलेयर्ड होगा। बच्चों ट्रांजिशनल एपिथेलियम में जो इनरमोस्ट लेयर के सेल्स होते हैं जो यहां पर आपको रेड कलर से नजर आ रहे हैं, ट्रांजिशनल एपिथेलियम में स्ट्रेचेबल एपिथेलियम में जो इनरमोस्ट लेयर के सेल्स होते हैं वो क्यूब लाइक होते हैं। फिर बच्चों इसके ऊपर चलते हैं जो मिडल 2 to 4 लेयर्स होती हैं वहां पर सेल का शेप पॉलीगोनल होता है, पॉलीहेड्रल होता है या फिर हम अम्ब्रेला शेप यहां पर कहते हैं। बच्चों आपको याद रखना होगा प्रेजेंस ऑफ इंटरमीडिएट अम्ब्रेला शेप्ड सेल्स इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ट्रांजिशनल एपिथेलियम। अब चलिए बच्चों सबसे ऊपर वाली लेयर्स की हम बात करते हैं। तो ट्रांजिशनल एपिथेलियम में जो आउटर मोस्ट 1 to 2 लेयर्स होंगी वहां पर सेल का शेप कैसा होता है, ओवल शेप्ड सेल्स होता है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं बच्चों ट्रांजिशनल एपिथेलियम मल्टी लेयर्ड होगी क्योंकि ये कंपाउंड एपिथेलियम का पार्ट है, इनर मोस्ट लेयर में सेल क्यूब लाइक होते हैं, बीच वाली लेयर्स में सेल पॉलीगोनल होते हैं या फिर हम पॉलीहेड्रल कहते हैं या फिर पियर शेप्ड होते हैं या फिर अम्ब्रेला शेप होते हैं, और जो सबसे बाहरी 1 से 2 लेयर होती है वहां पर सेल का शेप ओवल शेप होता है। अब मैंने आपको बता चुका हूं बच्चों ट्रांजिशनल एपिथेलियम में जो सेल्स होते हैं दे आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ इंटर डिजिटेशन। अब आप खुद मुझे याद करके बताइए बच्चों ट्रांजिशनल एपिथेलियम में स्ट्रेचिंग एबिलिटी प्रेजेंट और एब्सेंट, तो नाम से पता चल रहा है बच्चों ये है स्ट्रेचेबल एपिथेलियम। तो ट्रांजिशनल एपिथेलियम में स्ट्रेच होने की एबिलिटी प्रेजेंट होती है। ये जो आप डायग्राम यहां देख रहे हैं बच्चों ये है बिफोर स्ट्रेचिंग का डायग्राम यानी रेस्टिंग स्टेज का डायग्राम, लेकिन जब आप आफ्टर स्ट्रेचिंग का डायग्राम देखेंगे तो वो आपको कुछ इस तरह से नजर आएगा। जाहिर सी बात है बच्चों बिफोर स्ट्रेचिंग हमें सेल्स के अलग अलग शेप देखने को मिलेंगे, कुछ सेल्स क्यूब लाइक हैं, कुछ सेल्स अम्ब्रेला लाइक हैं और कुछ सेल्स ओवल हैं, लेकिन जब आप इस टिश्यू को स्ट्रेच करेंगे तो खिंचाव की वजह से जितने भी सेल्स होंगे वो सारे के सारे फ्लैट हो जाया करते हैं। आइए बच्चों इसके नाम को हम समझते हैं, आखिर इस एपिथेलियम को ट्रांजिशनल एपिथेलियम क्यों कहा गया। आप जानते हैं बच्चों द वर्ड ट्रांजिशन, ट्रांजिशन वर्ड का मतलब होता है एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज शो करना, जैसे आपने पढ़ा होगा बच्चों सॉलिड से लिक्विड हो जाना, लिक्विड से गैस हो जाना, तो ये कहलाते हैं ट्रांजिशन। तो देखिए बच्चों यहां पर सेल्स एक शेप की स्टेट से दूसरी शेप ऑफ स्टेट में ट्रांजिशन शो कर रहे हैं। आप देख सकते हैं बच्चों आफ्टर स्ट्रेचिंग जो ओवल शेप्ड सेल्स थे वो यहां पर फ्लैट हो चुके हैं, जो अम्ब्रेला शेप्ड सेल्स थे वो भी यहां पर फ्लैट हो चुके हैं और जो क्यूब लाइक सेल्स थे वो भी यहां पर फ्लैट हो चुके हैं। ये तो बात करेंगे हम आफ्टर स्ट्रेचिंग।
लेकिन जैसे ही स्ट्रेचिंग प्रेशर रिलीव होगा, ये एपिथेलियम वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन को गेन कर लेगा, यानी ये सेल्स फ्लैट से वापस अपने रिस्पेक्टिव शेप को गेन कर लेंगे। तो बस इतना याद रखें बच्चों, ऐसा एपिथेलियम जहां पर सेल्स एक शेप ऑफ स्टेट से दूसरी शेप ऑफ स्टेट में ट्रांजिशन शो करते रहते हैं, सच एपिथेलियम इज नोन एज ट्रांजिशनल एपिथेलियम। तो एक बार आपके मॉड्यूल के पॉइंट को हम समराइज करते हैं बच्चों, आप खुद मुझे सोचकर बताएं, ट्रांजिशनल एपिथेलियम में जो आपको अलग अलग शेप नजर आते हैं सेल्स के, वो आपको रेस्टिंग स्टेज में नजर आएंगे या फिर आफ्टर स्ट्रेचिंग? तो जाहिर सी बात है आपका आंसर होगा वो हमें रेस्टिंग स्टेज में नजर आएंगे। तो एक काम करते हैं, आपके मॉड्यूल के उस स्टेटमेंट को मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूं, ध्यान सुनेंगे बच्चों। द डिफरेंट शेप्स ऑफ सेल्स अपीयर्स ओनली इन द रेस्टिंग स्टेज एंड व्हेन दिस टिश्यू इज स्ट्रेस्ड ऑल द सेल्स बिकम फ्लैटेंड इन शेप। चलिए बच्चों अब अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान से सुनेंगे। अगर आप बिफोर स्ट्रेचिंग और आफ्टर स्ट्रेचिंग वाले डायग्राम को अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो आपको एक डिफरेंस नजर आ रहा होगा। आफ्टर स्ट्रेचिंग में जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है बच्चों वो काफी पतली हो गई है। वैसे हम जानते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन बहुत ही थिन होती है, लेकिन जब स्ट्रेच किया जाता है तो बेसमेंट मेम्ब्रेन और इतनी ज्यादा पतली हो जाती है कि वो हमें नजर नहीं आती है। हम कहते हैं ऑन स्ट्रेचिंग इन ट्रांजिशनल एपिथेलियम द बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑलमोस्ट गेट्स डिसअपीयर। चलिए बच्चों ट्रांजिशनल एपिथेलियम का लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके सामने रख रहा हूं, आप ध्यान सुनेंगे। ट्रांजिशनल एपिथेलियम की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, यानी जो ओवल शेप्ड सेल्स होते हैं, वहां पर एक पतली सी वैक्स की लेयर पाई जाती है, एक पतली सी क्यूटिकल लाइनिंग पाई जाती है जो इस टिश्यू को वाटर प्रूफ बनाती है। ये हमने अपने पिछले स्लाइड में मेंशन कर रखा है, मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं बच्चों। ए थिन क्यूटिकल लाइन एट द आउटर मोस्ट लेयर मेक्स दिस टिश्यू वाटर प्रूफ। सो दिस इज ऑल अबाउट ट्रांजिशनल एपिथेलियम। बच्चों ट्रांजिशनल एपिथेलियम में तीन चार बातें हैं जो आपको याद रखनी है, मैं समराइज कर रहा हूं, आप ध्यान सुनेंगे। ट्रांजिशनल एपिथेलियम इज अ टाइप ऑफ कंपाउंड एपिथेलियम, देयरफॉर इट इज अ मल्टीलेयर्ड एपिथेलियम टिश्यू। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना बच्चों, सेल्स आर इंटरकनेक्टेड बाय इंटरडिजिटेशन और यहां पर स्ट्रेचिंग एबिलिटी पाई जाती है। तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है, आफ्टर स्ट्रेचिंग बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑलमोस्ट गेट्स डिसअपीयर्ड। और लास्ट पॉइंट जो आपको याद रखना बच्चों, ट्रांजिशनल एपिथेलियम इज अ वाटर प्रूफ एपिथेलियम। अब एक इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं बच्चों, दैट इज एग्जांपल्स ऑफ ट्रांजिशनल एपिथेलियम। बच्चों एग्जांपल्स को आप थोड़ा लॉजिक वाइज अगर याद करेंगे तो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। मैंने आपसे कहा ट्रांजिशनल एपिथेलियम एक वाटर प्रूफ एपिथेलियम है, इसका मतलब ये किसी भी सरफेस को वाटर से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवा सकती है। आप जानते हैं बच्चों, पानी अगर किसी सरफेस को लंबे समय तक अगर टच करता है, अगर पानी किसी सरफेस के साथ लॉन्ग एक्सपोजर बनाएगा तो वो उस सरफेस को डिस्ट्रॉय कर सकता है, उसको सड़ा सकता है, उसको गला सकता है। तो जाहिर सी बात है अगर आप किसी भी सरफेस को पानी के लॉन्ग टच होने की वजह से, लंबे समय तक एक्सपोजर की वजह से खराब होने से अगर आप बचाना चाहते हैं तो उस सरफेस को आप कवर करेंगे किसकी मदद से? विद द हेल्प ऑफ ट्रांजिशनल एपिथेलियम। लेकिन आप जानते हैं बच्चों हमारी बॉडी में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर ही है, इनफैक्ट सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में भी वाटर है, तो शायद हम हर जगह ट्रांजिशनल एपिथेलियम को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो एक काम क्यों ना करें बच्चों, कम से कम उन जगह पर हम ट्रांजिशनल एपिथेलियम लगा दें जहां से गंदा पानी गुजरता है। गंदे पानी से मेरा मतलब बच्चों यहां पर यूरिन से। आप जानते हैं यूरिन में वाटर कंटेंट भी है और साथ ही साथ उसमें कुछ नाइट्रोजिनस वेस्ट भी हमें देखने को मिलते हैं। तो कम से कम हमारे वो सभी स्ट्रक्चर्स जहां से यूरिन गुजरता है या फिर जहां पर यूरिन स्टोर होता है, उन सभी स्ट्रक्चर्स को यूरिन से खराब होने से बचाने के लिए वहां पर हम कौन सा एपिथेलियम लगाएंगे बच्चों? दैट इज ट्रांजिशनल एपिथेलियम। तो देखिए आपके सामने मैंने एक यूरिनरी ट्रैक्ट का डायग्राम बनाया है, तो सिक्वेंस में आपको एग्जाम्पल्स को याद रखना है बच्चों। ट्रांजिशनल एपिथेलियम रीनल पेल्विस में देखने को मिलेगा, फिर ट्रांजिशनल एपिथेलियम यूरेटर में देखने को मिलेगा, ट्रांजिशनल एपिथेलियम यूरिनरी ब्लैडर में देखने को मिलेगा और ट्रांजिशनल एपिथेलियम मेल यूरेथ्रा के प्रॉक्सिमल पार्ट में देखने को मिलता है। अब इतना याद रखेंगे बच्चों, हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट में ट्रांजिशनल एपिथेलियम की प्रेजेंस का
एक इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है इन सभी सर्फेसेस को यूरिन से खराब होने से बचाना। और दूसरा इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है बच्चों, आप जानते हैं ट्रांजिशनल एपिथेलियम में स्ट्रेचिंग एबिलिटी प्रेजेंट होती है। जब हमारे यूरिनरी ब्लैडर की वॉल में ट्रांजिशनल एपिथेलियम होगा तो यूरिनरी ब्लैडर को ज्यादा मात्रा में यूरिन स्टोर करने की कैपेसिटी प्रोवाइड हो जाएगी विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेचिंग एबिलिटी प्रोवाइडेड बाय ट्रांजिशनल एपिथेलियम। तो आप बस इतना याद रखेंगे बच्चों, रीनल पेल्विस, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ मेल यूरेथ्रा आर लाइंड बाय ट्रांजिशनल एपिथेलियम, स्ट्रेचेबल एपिथेलियम, ए वॉटर प्रूफ एपिथेलियम। और देखिए बच्चों, हम ऑब्जर्व कर सकते हैं ट्रांजिशनल एपिथेलियम हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट में पाया जाता है। दैट्स वाई ट्रांजिशनल एपिथेलियम इज ऑल्सो नोन एज यूरोथेलियम। द एपिथेलियम विच लाइंस द यूरिनरी ट्रैक्ट इज नोन एज यूरोथेलियम। सो दिस इज ऑल अबाउट ट्रांजिशनल एपिथेलियम। चलिए बच्चों, कंपाउंड एपिथेलियम के सेकेंड हाफ की तरफ अब मैं आपको लेकर चल रहा हूं, दैट इज नॉन स्ट्रेचेबल एपिथेलियम। एक बार हम कंपेरिजन करते हुए पढ़ेंगे बच्चों, याद रखें ट्रांजिशनल एपिथेलियम में सेल्स इंटर डिजिटेशन की मदद से कनेक्टेड होते हैं, जबकि नॉन स्ट्रेचेबल एपिथेलियम में सेल्स आर इंटरकनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ डेस्मोसोम्स। सेकेंड पॉइंट बच्चों, ट्रांजिशनल एपिथेलियम में स्ट्रेचिंग एबिलिटी प्रेजेंट होती है, जबकि नॉन स्ट्रेचेबल एपिथेलियम में स्ट्रेचिंग एबिलिटी प्रेजेंट नहीं होती है। अब एक काम करते हैं बच्चों, जल्दी से हम नॉन स्ट्रेचेबल एपिथेलियम का डायग्राम यहां पर समझने की कोशिश करते हैं, पर उससे पहले मैं आपको 5 से 6 सेकंड का समय दे रहा हूं। एक बार आप ट्रांजिशनल एपिथेलियम के डायग्राम को आप दिमाग में मेमोराइज करें, फिर उसी से कंपेयर करते हुए हम नॉन स्ट्रेचेबल एपिथेलियम का डायग्राम यहां पर बनाएंगे। एक काम करते हैं, मैं आपके सामने फिर से वो स्लाइड रख देता हूं रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांजिशनल एपिथेलियम। आप 5 से 6 सेकंड का समय लें और सेल्स के शेप को अलग अलग लेयर में एक बार आप रिवाइज कर लें बच्चों। तो चलिए बच्चों, आपने रिवाइज कर लिया होगा, ट्रांजिशनल में इनर मोस्ट लेयर में सेल्स क्यूब लाइक होते हैं, बीच वाले सेल्स पॉलीगोनल पॉलीहेड्रल अम्ब्रेला शेप या पियर शेप होते हैं, और आउटर मोस्ट लेयर के सेल्स ओवल शेप्ड होते हैं। चलिए बच्चों, अब बात करते हैं द स्ट्रक्चर ऑफ नॉन स्ट्रेचेबल एपिथेलियम कंपेयरिंग इट विद ट्रांजिशनल एपिथेलियम। देखिए बच्चों, एपिथेलियम टिश्यू है तो बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी और नीचे की तरफ कनेक्टिव टिश्यू होगा। अब आप मुझे बताएंगे, फिर यहां पर हम उसे कंपेयर करेंगे। मुझे एक बात बताइए बच्चों, ट्रांजिशनल एपिथेलियम में इनर मोस्ट लेयर के सेल कैसे होते हैं? क्यूब लाइक होते हैं। तो सिमिलरली बच्चों, नॉन स्ट्रेचेबल एपिथेलियम में जो इनर मोस्ट लेयर के सेल होते हैं वो भी क्यूब लाइक होते हैं। पर एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस आपको यहां पर ऑब्जर्व करना है बच्चों, ट्रांजिशनल एपिथेलियम में तो कंफर्म है इनर मोस्ट लेयर के सेल क्यूब लाइक होंगे, जबकि नॉन स्ट्रेचेबल एपिथेलियम में, इन जनरल स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम में, जो इनर मोस्ट लेयर के सेल होंगे वो क्यूब लाइक भी हो सकते हैं और कॉलमनर भी हो सकते हैं। तो बच्चों, अगर एग्जाम में सवाल आ जाए, जो कि कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में पूछा जा भी चुका है, अगर सवाल ये पूछा जाए व्हाट इज द शेप ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन द इनर मोस्ट लेयर ऑफ नॉन स्ट्रेचेबल और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, अगर ऑप्शन में क्यूबॉइडल भी हो, अगर ऑप्शन में कॉलमनर भी हो, अगर ऑप्शन में बोथ हो, तो बच्चों आंसर जाएगा बोथ। अगर बोथ ऑप्शन में ना हो तो यू शुड गिव प्रायोरिटी टू द क्यूबॉइडल सेल्स। अब एक और पॉइंट आपको याद रखना है बच्चों, नॉन स्ट्रेचेबल एपिथेलियम का ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, नॉन स्ट्रेचेबल एपिथेलियम में जो इनर मोस्ट लेयर के सेल्स होते हैं इनका माइटोटिक इंडेक्स बहुत ही हाई होता है, बहुत ही ज्यादा होता है। बच्चों, इंडेक्स वर्ड रिप्रेजेंट करता है नंबर को, यानी कि इन सेल्स के माइटोसिस करने की जो रेट होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है। और बच्चों, इन्हीं सेल्स के डिवीजन से ऊपर वाली लेयर्स जर्मिनेट होती हैं। आई रिपीट बच्चों, नॉन स्ट्रेचेबल एपिथेलियम में जो इनर मोस्ट लेयर होती है उसमें जो सेल्स होते हैं उनका माइटोटिक इंडेक्स बहुत हाई होता है, और इसी लेयर के डिवीजन से इस एपिथेलियम की बाकी सारी लेयर्स जर्मिनेट होती हैं। इसलिए बच्चों, नॉन स्ट्रेचेबल एपिथेलियम की जो इनर मोस्ट लेयर होती है उसको नाम दिया जाता है जर्मिनेटिवम लेयर। एक बार आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं आपको वापस से बताता हूं बच्चों, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम इज नोन एज जर्मिनल एपिथेलियम, क्योंकि वहां पर पूरा एपिथेलियम जर्मिनल है, यहां पूरा एपिथेलियम जर्मिनल नहीं है बच्चों। यहां पर इस एपिथेलियम की जो सिर्फ इनर मोस्ट लेयर है वो जर्मिनल होती है। अब चलिए बच्चों, वापस से रिवाइज करते हैं, कंपेयर करते हैं विद द ट्रांजिशनल। याद कीजिए, ट्रांजिशनल में
जो मिडल लेयर के सेल्स होते हैं वो पॉलीगोनल होते हैं, पॉलीहेड्रल होते हैं. सिमिलरली नॉन स्ट्रेचेबल एपिथेलियम में जो मिडल लेयर के सेल्स होते हैं वो भी पॉलीगोनल होते हैं या फिर पॉलीहेड्रल होते हैं. अब याद करेंगे बच्चों, ट्रांजिशनल एपिथेलियम में जो आउटर मोस्ट लेयर के सेल्स होते हैं वो ओवल शेप्ड होते हैं, लेकिन नॉन स्ट्रेचेबल एपिथेलियम में आउटर मोस्ट लेयर के सेल कैसे होंगे उस बेसिस पर नॉन स्ट्रेचेबल एपिथेलियम को हम तीन पार्ट में क्लासिफाई करेंगे. आई रिपीट बच्चों, ट्रांजिशनल में तो आउटर मोस्ट लेयर के सेल ओवल शेप्ड होते हैं, लेकिन नॉन स्ट्रेचेबल या फिर इन जनरल स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम के आउटर मोस्ट लेयर में सेल्स का शेप कैसा होगा उस बेसिस पर इस नॉन स्ट्रेचेबल एपिथेलियम को हम तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे. पहले मैं आपको समराइज कर देता हूं बच्चों, अगर आउटर मोस्ट लेयर के सेल फ्लैट हो जाते हैं तो इस एपिथेलियम का नाम होगा स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम. अगर आउटर मोस्ट लेयर के सेल क्यूब लाइक हो जाएंगे तो इस एपिथेलियम का नाम होगा स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम. और अगर आउटर मोस्ट लेयर के सेल पिलर लाइक हो जाएंगे, कॉलम लाइक हो जाएंगे, तो इस एपिथेलियम का नाम होगा स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम. यानी बच्चों मैंने आपको तीन नाम बताया नॉन स्ट्रेचेबल एपिथेलियम के, हम तीन क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे बच्चों, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम एंड स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर. यानी इन तीनों ही एपिथेलियम में जो डिफरेंस होगा वो सिर्फ और सिर्फ आउटर मोस्ट लेयर के जो सेल्स होंगे उनके शेप में आपको देखने को मिलेगा. एक काम करते हैं, मैं आपको डायग्रामेटिकली ये पार्ट समझाता हूं, आप ध्यान से देखेंगे बच्चों. नॉन स्ट्रेचेबल एपिथेलियम, इन जनरल स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम को हम तीन पार्ट में क्लासिफाई करते हैं. द फर्स्ट वन इज स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, सेकेंड वन इज स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम एंड द लास्ट वन इज स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम. और बच्चों इन तीनों में जो डिफरेंस है वो सिर्फ और सिर्फ आउटर मोस्ट लेयर में आपको देखने को मिलता है. चलिए बच्चों अब वन बाय वन इनको हम स्टडी करते हैं. सबसे पहला हम कंसीडर करने जा रहे हैं, दैट इज स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम. जो यहां बातें लिखी हुई है वो मैं आपको बता चुका हूं बच्चों, इनर मोस्ट लेयर के सेल क्यूब लाइक या फिर कॉलमनर हो सकते हैं, बीच वाली लेयर के सेल्स पॉलीगोनल होंगे और आउटर मोस्ट लेयर के जो सेल होंगे वो फ्लैट होंगे यानी स्केल लाइक होंगे. अब समझे बच्चों, ये जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम है इसको भी हम फर्दर दो पार्ट में क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस, डिपोजिशन और नॉट डिपोजिशन ऑफ केराटिन प्रोटीन इन द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल्स. यानी तो याद रखें बच्चों, इस स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम में जो आउटर मोस्ट लेयर के सेल हैं यानी जो फ्लैट सेल हैं उनमें केराटिन प्रोटीन का डिपोजिशन होगा या नहीं होगा उस बेसिस पर इस एपिथेलियम को भी हम फर्दर दो पार्ट में क्लासिफाई करेंगे. अगर आउटर मोस्ट लेयर में केराटिन प्रोटीन का डिपोजिशन हो जाएगा तो इसका नाम हो जाएगा बच्चों केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, और अगर आउटर मोस्ट लेयर में केराटिन प्रोटीन का डिपोजिशन नहीं होगा तो इसका नाम क्या होगा, नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम. और एक और बात मैं आपको पहले बता दूं बच्चों, आप जानते भी हैं केराटिन प्रोटीन जिस किसी भी सेल में डिपॉजिट हो जाता है, आपको इशारा समझ में आ रहा होगा बच्चों, केराटिन प्रोटीन जिस किसी भी सेल में डिपॉजिट हो जाता है वो उस पर्टिकुलर सेल की मेटाबॉलिज्म में इंटरफेरेंस कॉज करता है एंड इट रिजल्ट्स इन द सेल डेथ. यानी वो पर्टिकुलर सेल डेड हो जाया करता है. तो आप इतना याद रखेंगे बच्चों, केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम की जो आउटर मोस्ट लेयर है उसमें केराटिन प्रोटीन डिपॉजिट होने की वजह से जो आउटर मोस्ट लेयर है बच्चों वो डेड हो जाएगी. और जब सेल्स यहां पर डेड हो जाएंगे तो धीरे धीरे जितने भी सेल ऑर्गेनल्स होंगे वो भी डीजनरेट होने लग जाएंगे. जैसे कि हम बात करें न्यूक्लियस, न्यूक्लियस भी डीजनरेट होने लग जाएगा. एक बात मैं आपको पहले बता दूं बच्चों, जहां पर केराटिन प्रोटीन की आप बात नहीं करेंगे वहां पर सभी सेल्स लिविंग होंगे और न्यूक्लिएटेड होंगे. एक बार फिर से समराइज करते हैं बच्चों, कंपाउंड एपिथेलियम, स्ट्रेचेबल, ट्रांजिशनल, नॉन स्ट्रेचेबल, इन जनरल स्ट्रेटिफाइड. ट्रांजिशनल हम पढ़ चुके हैं, वाटरप्रूफ एपिथेलियम, यूरोथेलियम. नॉन स्ट्रेचेबल एपिथेलियम को तीन पार्ट में डिवाइड किया, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल, स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर. तीनों में डिफरेंस है ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ सेल इन द आउटर मोस्ट लेयर. स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया है, द फर्स्ट वन इज केराटिनाइज एंड द सेकंड वन इज नॉन केराटिनाइज. अब देखिए बच्चों, केराटिनाइज और नॉन केराटिनाइज को एक बार डिटेल में डिस्कस करते हैं. सबसे पहले डिस्कस करने जा रहा हूं केराटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम. प्रॉपर्टीज में आपको बता चुका हूं, आउटर मोस्ट लेयर में केराटिन प्रोटीन का डिपोजिशन होने की वजह से आउटर मोस्ट लेयर डेड हो जाएगी. और यहां पर देखिए हमने न्यूक्लियस को डीजनरेट होते हुए आपको दिखा दिया है. अब देखिए बच्चों, इंपॉर्टेंट चीज है एग्जांपल,
तो इस एपिथेलियम का मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो आपको याद रखना है दैट इज एपिडर्मिस ऑफ स्किन. तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल आप याद रखेंगे बच्चों, एपिडर्मिस ऑफ स्किन इज द क्लासिकल एग्जांपल ऑफ केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम. और इतना याद रखेंगे बच्चों, हमारी एपिडर्मिस से जितने भी स्ट्रक्चर डिराइव होते हैं, यानी एपिडर्मिस एंड द डेरिवेटिव्स ऑफ एपिडर्मिस आर द एग्जांपल्स ऑफ केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम. फिर चाहे वो हमारे फेदर हो या फिर हेयर हो, नेल्स हो, हॉर्न्स हो, हूफ्स हो या फिर बीक हो. आप सब जानते हैं बच्चों, फेदर यानी हम पंखुड़ियों की बात कर रहे हैं बर्ड्स में, हेयर यानी हम बाल की बात कर रहे हैं, नेल यानी हम नाखून की बात कर रहे हैं, हॉर्न यानी हम सिंग की बात कर रहे हैं, हूफ्स यानी हम खुर की बात कर रहे हैं और बीक यानी हम चोंच की बात कर रहे हैं. तो आपको बस इतना याद रखना बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल एपिडर्मिस एंड ऑल द डेरिवेटिव्स ऑफ एपिडर्मिस आर मेड अप ऑफ केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम. सेकेंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, दैट इज नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम. मैं आपको बता चुका हूं आउटर मोस्ट लेयर में केराटिन प्रोटीन नहीं होगा, तो आउटर मोस्ट लेयर के सेल्स लिविंग होंगे और साथ ही साथ ये न्यूक्लिएटेड भी होंगे. इसके एग्जांपल्स में आप एक एग्जांपल जरूर याद रखें बच्चों, दैट इज बक्कल कैविटी और ओरल कैविटी ऑफ मैमल्स. यानी बच्चों हमारे बक्का वर्ड इज यूज टू रिप्रेजेंट चीक्स. हमारे गालों के बीच में जो कैविटी है वहां पर कौन सा एपिथेलियम पाया जाता है बच्चों, नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम. और भी एग्जांपल्स हैं, इनको आप मॉड्यूल से जरूर कवर करेंगे. सो दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम. चलिए बच्चों अब हम मूव करते हैं रिगार्डिंग स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम. याद कीजिए जो डिफरेंस है वो सिर्फ और सिर्फ आउटर मोस्ट लेयर के सेल्स के बेसिस में आपको देखने को मिलेगा. सीधे हम एग्जांपल्स की तरफ बढ़ते हैं बच्चों. आपको इतना याद रखना होगा द सेक्रेटरी डक्ट ऑफ सर्टेन ग्लैंड्स. याद रखेंगे हमने बात की थी बच्चों ग्लैंड्स के अंदर मिलता है सिंपल क्यूबॉइडल, लेकिन कुछ ग्लैंड्स ऐसी होती है उनकी सेक्रेटरी डक्ट में हमें स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल देखने को मिलता है. जैसे बच्चों अगर मैं बात करूं हमारी स्वेट ग्लैंड्स, याद कीजिए स्वेट ग्लैंड्स की सेक्रेटरी यूनिट के अंदर था सिंपल क्यूबॉइडल, जबकि स्वेट ग्लैंड की सेक्रेटरी डक्ट में होता है स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल. जैसे कि बच्चों हम बात करें मेमरी ग्लैंड्स की डक्ट, सलाइवरी ग्लैंड्स की डक्ट, जैसे कि सिबेशियस ग्लैंड्स की डक्ट, जैसे हम बात करें बच्चों पैनक्रियाटिक डक्ट और फीमेल यूरेथ्रा इज इंटरनली लाइंड बाय स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम. मूविंग ऑन टू द लास्ट पार्ट दैट इज स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम. बस डिफरेंस होगा आउटर मोस्ट लेयर के जो सेल होंगे वो पिलर लाइक हो जाएंगे. यहां हम केराटिन की बात नहीं कर रहे हैं, तो सेल्स लिविंग होंगे एज वेल एज न्यूक्लिएटेड होंगे. अब देखिए बच्चों जो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम है इट इज फर्दर क्लासिफाइड इंटू टू टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सीलिया ऑन द आउटर सर्फेस. जाहिर सी बात है बच्चों अगर आउटर सर्फेस पर सीलिया होंगे दैट वुड बी टर्म्ड एज सीलिएटेड स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम, और अगर सीलिया नहीं होंगे दैट वुड बी कॉल्ड एज नॉन सीलिएटेड स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम. और इनके एग्जाम्पल्स में सीलिएटेड में एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आपको याद रखना है दैट इज बक्कोफेरिंजियल कैविटी ऑफ फ्रॉग एंड लैरिंग्स, जबकि नॉन सीलिएटेड में आप एग्जाम्पल याद रखेंगे बच्चों एपिग्लॉटिस. आपको याद रखना है एपिग्लॉटिस एंड डिस्टल पार्ट ऑफ मेल यूरेथ्रा. सो दिस इज ऑल अबाउट कंपाउंड एपिथेलियम. एक बार मैं आपको क्विक रिवाइज करवा देता हूं, आप ध्यान सुने बच्चों. सिंपल एपिथेलियम, सिंगल लेयर, सिंपल स्क्वैमस, सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल कॉलमनर. सिंपल कॉलमनर का एक और स्पेशल मॉडिफाइड वर्जन हमने पढ़ा था दैट इज सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम. उसका भी एक मॉडिफाइड वर्जन हमने पढ़ा था बच्चों सूडो स्ट्रेटिफाइड सीलेटेड कॉलमनर ग्लैंडुलर एपिथेलियम. आज हमने बात करी बच्चों अबाउट कंपाउंड एपिथेलियम. कंपाउंड एपिथेलियम को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, स्ट्रेचेबल यानी ट्रांजिशनल एपिथेलियम, नॉन स्ट्रेचेबल एपिथेलियम. ट्रांजिशनल एपिथेलियम यूरोथेलियम, वाटरप्रूफ एपिथेलियम, और स्ट्रेच होने के बाद बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑलमोस्ट गेट्स डिसअपीयर, रीनल पेल्विस, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ मेल यूरेथ्रा. ऑन द अदर हैंड नॉन स्ट्रेचेबल को हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस, केराटिनाइज्ड एपिडर्मिस ऑफ स्किन, नॉन केराटिनाइज्ड बक्कल कैविटी ऑफ मैमल्स, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल, सेक्रेटरी डक्ट ऑफ सर्टेन ग्लैंड्स एंड स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर, सीलिएटेड बक्कोफेरिंजियल कैविटी ऑफ फ्रॉग एंड नॉन सीलिएटेड एपिग्लॉटिस एंड डिस्टल पार्ट ऑफ मेल यूरेथ्रा. तो बच्चों इसी के साथ कंपाउंड एपिथेलियम यहां पर कंप्लीट होता है.